आरबीडी बटा इंटरनल लाइबिलिटी घटा एक्सटर्नल बटा रिजर्व टू आरबी। अगर रिवाल में कब आता है, अगर चार के ऊपर कुछ जाता है, चार से कम होता तो गेन लॉस का चेंज होता है ना वैल्यू का चेंज। ये तो ब्रेकअप है। इमेजिन कर बैलेंस शीट में रिजर्व 2000 है और आरबीडी 2000 ऑलरेडी था, उसका ही ब्रेकअप। रिवैल्यूएशन कुछ भी नहीं आएगा इसमें आरडीडी में, याद है? हेलो, आरडीडी के लिए रिवैल्यूएशन कुछ नहीं आएगा। हेलो, क्यों? रिजर्व का ही टुकड़ा लिया है, नया बढ़ाया नहीं है ना ही घटा है। ओके, 4100 अजवानी एंड रजवानी विच रेशियो 3:1 ना इसका लॉस्ट रिवेल ये आ रहा है 307/1025। हेलो, करस्पॉन्डिंग एंट्री टू रिवेल। फिर क्या करना है, कहना डायरेक्टली बैलेंस इट, न्यू रेशियो कैलकुलेट करो 3:1:1। कम ऑन, ऑल ऑफ यू कैलकुलेट द न्यू रेशियो। गुड, वो आर एस आर एक्चुअल एस आर है ना, करो फटाफट। ऑल ऑफ यू कैलकुलेट द न्यू रेशियो क्विक। Come on, do the new ratio quick. क्या रहा न्यू रेशियो क्या है? 3:1:1 मिला। हूज कैपिटल टेक एज बेस? गिडवानी 10,000 है ना फॉर वन पार्ट, तो इसका कितना होगा 10,000, इसका भी कितना होगा 30,000। सो टू बैलेंस सीडी 30, 10, 10। अभी डिफरेंस ढूंढने का, डेबिट माइनस क्रेडिट, क्रेडिट माइनस डेबिट। सो डेबिट बड़ा है ना अजवानी का 36, 825। व्हाट अबाउट रजवानी क्रेडिट बड़ा है 16,500। एक का इधर आ रहा है, एक का इधर आ रहा है, राइट? क्या लिखना है, किसके थ्रू एडजस्ट करना है? करंट बाय करंट एंड टू करंट, तीसरा तो टैली हो जाए। कितना आ रहा है ये डिफरेंस, रजवानी का कितना आ रहा है 335 और अजवानी का 5325। अच्छा, टू करने वाले पैसा दे दिया कि देना बाकी है? देना बाकी है, सरप्लस है, देना बाकी है। तो किधर लिखोगे टू कर? रजवानी करंट। और व्हाट अबाउट दिस बाय करंट? ये आएगा अजवानी करंट। और गुडविल आएगा, गुडविल बैलेंस शीट में कितना आएगा 25 का अभी हो गया है 20। आने वाले सालों में राइट ऑफ हो जाएगा। कैश का कर लो बैलेंस, ₹32,500। सर बोलो, बोलो टू करंट वा 4225। आ दिस वन, आ
Difference is 4 to 2. और कुछ बचा है बैलेंस शीट में देख लो, कैश, गुडविल, लेटर, स्टॉक, इक्विपमेंट, क्रेडिटर, क्रेडिटर बाकी है कितना है और होना चाहिए टैली 52, 59 लिखा 35 ये कितना का टैली हो रहा है 93725 मोटी साइड है ना टोटल लग रहा है ना नहीं ना माइनस कर गेट द बैलेंस कम ऑन ड्रॉ द जर्नल जर्नल ड्रॉ कर लो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक दो साइड का जर्नल करना Page 163, sum number 5, that's for homework. 163, sum number 5. Draw the journal now. Page 163, sum number 5, sida when? Here, bhai. Kaan. Aapko sida Wednesday dikhana hai, collection mein. Sum number 5, page 163. जर्नल लिखो हाँ 9 o'clock आई पुट द टाइम टेबल इन द ग्रुप अभी लिखो फर्स्ट एंट्री ओपनिंग बैलेंस में कोई एंट्री आएगा ना क्या आएगा फर्स्ट एंट्री
बोलो अभी क्या आएगा? रिजर्व टू अजवानी टू रजवानी, रिजर्व टू अजवानी टू अजवानी, रिजर्व टू अजवानी टू रजवानी 2000, 1500, 500, being reserved, distributed, being reserved, distributed, being reserved, distributed. और एक एंट्री एक्स्ट्रा आएगा यहाँ पे, नहीं रिजर्व का ही, रिजर्व टू आरडी, क्यों रिजर्व टू आरडी, आपने रिजर्व को कन्वर्ट किया आरडी, सेकेंड एंड रिजर्व टू आरडी, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू आरडी कितना 2000, reserve to RDD 2000 being reserve converted to RDD, being reserve converted to RDD. तो इसको combine नहीं कर सकते? कर सकते. Reserve to capital to RDD, reserve to RDD being reserve converted to RDD, being reserve converted to RDD. क्या? Reserve to RDD. What next? Cash to build one. Very good. थर्ड एंट्री इज कैश टू बिडवानी कैप 10,000, कैश टू बिडवानी कैप 10,000, कैश टू बिडवानी कैप 10,000 बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय गिडवानी, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय गिडवानी, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय गिडवानी, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय गिडवानी. What next? अजवानी कैप, रजवानी कैप टू गुडविल. Very good. ये वाला उल्टा एंट्री है. अजवानी कैप, रजवानी कैप टू गुडविल 3750-1250-5000. अजवानी कैप, रजवानी कैप टू गुडविल. कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय गिडवानी. अजवानी कैप, रजवानी कैप टू गुडविल 3750-1250-5000. नरेशन लिखना ध्यान से. बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ बाय ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ बाय ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो. इधर रेस्ट की जगह हम राइटिंग रिटर्न ऑफ, या यू कैन राइट नेगेटिव रेस. ओके, नेगेटिव रेस भी चलेगा. बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ, या गुडविल रिटर्न ऑफ बाय ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो. क्यों कम हो गया? क्योंकि ओरिजिनली 25 था और अपने को कितना बढ़ाने का था? 20, तो कम कर दिया. बराबर, बढ़ाने का तो रेज लिखने का, घटाने का तो रिटर्न ऑफ, लेकिन करेंगे ओल्ड. थर्ड केस था अजवानी रजवानी टू गुडविल, समझा? व्हाट नेक्स्ट? रिवैल्यूएशन. रिवैल्यूएशन में तीन एंट्रीज आता है, इधर तीन नहीं आएगा, दो ही आएगा. क्यों दो ही आएगा? क्रेडिट में कुछ नहीं है, तो एक रिवाइव डेबिट, एक रिवाइव क्रेडिट और एक प्रॉफिट लॉस का रहता है ना. इधर दो ही आएगा, एक डेबिट है और एक लॉस है. क्या आएगा फिफ्थ एंट्री? रिवाइव टू स्टॉक टू इक्विपमेंट टू आउटस्टैंडिंग रेट, रिवाइव टू स्टॉक टू इक्विपमेंट टू आउटस्टैंडिंग रेट, रिवाइव टू स्टॉक टू इक्विपमेंट टू आउटस्टैंडिंग रेट. बी क्या लिखोगे नरेशन? स्टॉक इक्विपमेंट आउटस्टैंडिंग रेंट रिवैल्यू, बीइंग स्टॉक इक्विपमेंट आउटस्टैंडिंग रेंट रिवैल्यू, बीइंग स्टॉक इक्विपमेंट आउटस्टैंडिंग रेंट रिवैल्यू, बीइंग स्टॉक इक्विपमेंट आउटस्टैंडिंग रेंट रिवैल्यू. ठीक है, अभी क्रेडिट में कुछ होता तो अलग से एंट्री आता, क्रेडिट का कोई आइटम नहीं है तो क्या होगा नेक्स्ट? क्या लिखोगे? ये अजवानी रजवानी टू रिवाल, अजवानी कैप, रजवानी कैप टू रिवाल, अजवानी रजवानी टू रिवाल, अजवानी रजवानी टू रिवाल. बी क्या होगा नरेशन? लॉस ऑन रिवाल ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, लॉस ऑन रिवाल ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, loss on reval transferred to partners capitals. Last two entries, entry number 7, entry number 8. क्या होगा 7th entry?
रजवानी कैप टू रजवानी करंट, रजवानी कैप टू रजवानी करंट, रजवानी कैप टू रजवानी करंट, कितना रजवानी कैप टू रजवानी करंट 4225, रजवानी कैप टू रजवानी करंट 4225, रजवानी कैप टू रजवानी करंट 4225, रेशन आएगा बीइंग एक्सेस एडजस्टेड थ्रू करंट टू मेक द कैपिटल प्रोपोर्शनेट, बीइंग एक्सेस एडजस्टेड थ्रू करंट टू मेक द कैपिटल प्रोपोर्शनेट, being excess adjusted through current to make the capital proportionate. या इसका short narration you can write being proportionate capital adjustment made. Being proportionate capital adjustment made. तो भी चलता. Excess adjusted through current to make the capital proportionate. क्या होगा eighth entry? अजवानी current to अजवानी क्या? अजवानी current to अजवानी क्या? रजवानी कैप टू रजवानी करंट के बाद अजवानी करंट टू अजवानी कैप, अजवानी करंट टू अजवानी कैप क्या लिखोगे नरेशन? डेफिसिट एडजस्टेड थ्रू करंट टू मेक द कैपिटल प्रोपोर्शन, डेफिसिट एडजस्टेड थ्रू करंट टू मेक द कैपिटल प्रोपोर्शन. इधर भी चलेगा कॉमन नरेशन दोनों का, बीइंग प्रोपोर्शनल कैपिटल एडजस्टमेंट मेड, बीइंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल एडजस्टमेंट मेड, तो भी चल प्रोपोर्शनेट कैपिटल एडजस्टमेंट मेड. ये क्या 4225 5325 गॉट इट? ऑर्डर क्लियर है जनरल का? सेम ऑर्डर इन विच यू आर डूइंग द क्वेश्चन. सम नंबर 5 पेज नंबर 163 दैट इज फॉर होमवर्क. ओके शो इट ऑन वेडनेसडे and show me the homework some